हेलो गाइज, मेरा नाम है शुभम। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रेडमी नोट 5 प्रो में जो न्यू अपडेट मिला था 9.6.2.0। तो उसके साथ आपको एक पीआईपी मोड का फीचर मिला है जिसको कहते हैं पिक्चर इन पिक्चर मोड। फुल फॉर्म है और उसका जो शॉर्ट फॉर्म है पीआईपी मोड। तो पिछली वीडियो में उसको मेंशन करना भूल गया था, तो इस वीडियो में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो कैसे यूज़ करना है पीआईपी मोड और कैसे यूज कर सकते हैं उसको और वो क्या काम आता है आपके, तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। लेकिन अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच जाए। और साथ ही साथ हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी कर सकते हैं। तो आपको मैं दिखा देता हूँ सेटिंग में ओपन करने के बाद। सेटिंग में ओपन करने के बाद एडिशनल सेटिंग में जाएंगे और प्राइवेसी को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा पिक्चर इन पिक्चर मोड। इसका कैसे यूज किया जाता है, कईयों ने मेरे से पूछा था पीआईपी मोड का कैसे यूज किया जाता है। उनको ऑप्शन तो मिल गया पर इसका यूज कैसे करते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए आप। तो ये मैं सारे ऐप में तो करके नहीं दिखाऊंगा पर एक दो तीन ऐप में आपको करके दिखाऊंगा पीआईपी मोड का यूज। तो सबसे पहले मैं आपको क्रोम के अंदर दिखा देता हूँ। अब क्रोम के अंदर देख सकते हैं मेरा आ चुका है चैनल। अब मैं इसको वीडियो प्ले करूंगा, देख सकते हैं कोई भी। देख सकते हैं ये मैंने अपना वीडियो प्ले कर लिया। और वीडियो प्ले करने के बाद अब मैं इसको जैसे ही फुल स्क्रीन मोड पे करूंगा, अब देख सकते हैं क्रोम के अंदर मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ। और वीडियो प्ले करने के बाद आप जैसे ही ऊपर स्लाइड स्लाइड करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ये देखते हैं रेडमी नोट 5 प्रो। अब जैसे ही इसको आप ऐसे करेंगे और ऐसे करने के बाद होम स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये पीआईपी मोड चालू हो जाएगा और इसे किधर किसी भी साइड आप रख सकते हैं और अपना अन्य काम भी कर सकते हैं, वीडियो देखने के साथ और कुछ भी काम कर सकते हैं। ये मल्टीटास्किंग से डिफरेंट है और ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी कूल है। तो ऐसे आपको यूज करना है क्रोम के अंदर, अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर। और अगली चीज़ हमें मिलती है वीएलसी प्लेयर के अंदर, आप कैसे प्ले कर सकते हैं अपनी कोई भी वीडियो को। अब जैसे ही वीएलसी प्लेयर आप ओपन करेंगे, वीएलसी प्लेयर ओपन करने के बाद आप यहाँ पे वीएलसी प्लेयर में से मैंने वीडियो ओपन कर रखी है और यहाँ पे मेरी वीडियो प्ले हो रही है। जैसे कि यहाँ पे मैं वीएलसी प्लेयर आपने इंस्टॉल कर रखा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे डायरेक्ट आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ पे आप वीएलसी प्लेयर के अंदर भी पीआईपी मोड का यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो और आप आगे जाके मैं मैप में भी दिखा देता हूँ ये ठीक तरीके से वर्क कर रहा है मैप के अंदर भी। अब जैसे कि मैंने खोल दिया अपना मैप, अब आपको मैप खोलने के बाद यहाँ पे आपको गो बटन दिखेगा। गो बटन दिखने के बाद सिंपली आपको अपना कोई एरिया जहाँ तक आपको जाना है, जैसे कि मेरे को एसएसबी रोड तक जाना है तो यहाँ पे मैं खोलूँगा और यहाँ पे स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट जैसे ही करूँगा, स्टार्ट करने के बाद आपको करना क्या है, सिंपली अब होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आ जाने के बाद ये देख सकते हैं मैप के अंदर भी काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है पीआईपी मोड। और इसमें आपको कोई पीआईपी मोड इस्तेमाल करने में आपको दिक्कत आ रही तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, आपकी मैं ज़रूर हेल्प करूँगा या तो और कोई एक और ठीक से वीडियो बनाऊँगा। फिलहाल ये YouTube के अंदर वर्क नहीं करता। आप YouTube में खोलेंगे तो YouTube पे कोई वीडियो प्ले करेंगे तो आपको वो उसके अंदर वर्क नहीं करेगा। बस उसमें ऑप्शन दे दिया पर वर्क नहीं करता जो VLC YouTube ऐप है। ये क्रोम के अंदर YouTube चलाएंगे तो वहाँ पे तो वर्क करेगा। पर एक बात ध्यान रख लीजिए पीआईपी मोड यूज़ करने के अंदर जो इसके अंदर आपको ऐप दिखेंगे पीआईपी मोड के अंदर वही ऐप पीआईपी मोड पर वर्क करेगा, देख सकते हैं। और यूट्यूब को छोड़ के सभी में ये वर्क कर रहा है तो आप मेरे को बता देना कि आपको का वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपका भी ये पीआईपी मोड वर्क करेगा। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए।